दोस्तों, क्रिकेट का खेल भी इंसान के जीवन की तरह होता है। जिस तरह इंसान इस दुनिया में चाहे जितना भी जी ले, लेकिन एक न एक दिन उसकी मौत निश्चित है, उसी तरह क्रिकेट के खेल में भी कोई भी खिलाड़ी चाहे कितना भी बड़ा नाम कमा ले, लेकिन एक न एक दिन उसे क्रिकेट को अलविदा कहना ही पड़ता है। कुछ खिलाड़ी तो इसमें ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही अपने खेल की काबिलियत को खो देते हैं, और जब उनके खेल में वह काबिलियत नहीं रहती तो फिर उन्हें जल्दी ही टीम से बाहर भी कर दिया जाता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी क्रिकेट इतिहास में ऐसे भी हैं जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी वे 20 साल के लड़के से भी बेहतरीन खेल दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में भी आज हम आपको वर्तमान समय में खेल रहे 5 ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी वो अपने खेल से लगातार दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। डेल स्टेन। क्रिकेट इतिहास में जब भी तेज गेंदबाजों की बात होगी तो डेल स्टेन का नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। रफ्तार के बादशाह इस गेंदबाज ने अपने पूरे करियर में बल्लेबाजों के खूब छक्के छुड़ाए। स्टेन जब अपनी जवानी में गेंदबाजी करते थे तो बल्लेबाज उनसे कांपा करते थे, लेकिन आज डेल स्टेन की उम्र 38 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और आज भी वे उसी रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं और उनकी लाइन और लेंथ भी काफी सटीक होती है। हालांकि बल्लेबाजों के मुकाबले गेंदबाजों में उम्र का पड़ाव ज्यादा देखने को मिलता है और गेंदबाजों का करियर जल्दी ही खत्म हो जाता है, लेकिन स्टेन के मामले में ऐसा नहीं है। क्रिस गेल। यूनिवर्सल बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल आज दुनिया के चहेते क्रिकेटर हैं। गेल ने न सिर्फ अपनी भरी जवानी में बल्लेबाजी से कोहराम मचाया, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ भी उन पर उम्र का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। आज क्रिस गेल की उम्र 41 साल से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी वे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के लिए खेलते हैं। 41 साल की उम्र पार कर चुके किसी भी खिलाड़ी के लिए खेलना किसी भी हद तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्रिस गेल के मामले में ऐसा नहीं है। वे आज भी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देते हैं। क्रिस गेल ने अब तक अपने करियर में 103 टेस्ट, 301 वनडे और 58 टी20 मैच खेले हैं, साथ ही उन्होंने 125 आईपीएल मैच भी खेले हैं। सोएम मलिक। आज से करीब 22 साल पहले सोएम मलिक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन आज भी उनमें वे काबिलियत है कि वे पाकिस्तान की टीम में जगह बनाए हुए हैं। हालांकि टेस्ट और वनडे से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन टी20 क्रिकेट में वे आज भी टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के इस बेहतरीन ऑलराउंडर ने अब तक 55 टेस्ट, 218 वनडे और 94 टी20 मैच खेले हैं। 38 साल की उम्र को पार कर चुके सोएम मलिक में आज भी वह काबिलियत है कि वे बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं और एक 20 साल के युवा खिलाड़ी को टक्कर दे सकते हैं। जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार हो चुके जेम्स एंडरसन आज लगभग 38 साल की उम्र को भी पार कर चुके हैं। एंडरसन का जन्म 30 जुलाई साल 1982 में हुआ था। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की तरफ से 600 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। उम्र के इस पड़ाव को देखते हुए भी एंडरसन आज भी युवा खिलाड़ियों को टक्कर देते हैं और आज भी वे टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड का अहम हिस्सा हैं। एंडरसन के खेल पर आज भी कोई प्रभाव नहीं दिखा, जैसा वे आज से 15 साल पहले खेलते थे वही खेल उनका आज भी कायम है। मोहम्मद हफीज। पाकिस्तान के एक और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज भी 40 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी वह पाकिस्तान का अहम हिस्सा हैं। हफीज ने अब तक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट से संन्यास नहीं लिया है और आज भी उनमें वह काबिलियत है कि वह पाकिस्तान की टीम में जगह बनाए हुए हैं। मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 94 टी20 मैच खेले हैं, लेकिन उम्र के पड़ाव का उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मोहम्मद हफीज का जन्म 17 अक्टूबर साल 1980 को पाकिस्तान के सरघोड़ा में हुआ था।